करीब 750 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिनके 2000 कार्यकर्ता और सहायिका लामबंद होकर धरना करने को मजबूर हैं। दरअसल 6 दिनों तक कलेक्ट्रेट में कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। उसके पश्चात भी यदि मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। वर्ष 2023 चुनावी वर्ष होने के कारण सारे विभागों के कर्मचारी हड़ताल को मजबूर हैं। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन इसलिए किया है क्योंकि हमने कई सालों से हम आवेदन देते आए हैं मगर हमारे आवेदनों का कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है। हमको मानदेवी सेविका ही आज तक रखा गया है। हमको परमानेंट करें, हमको न्यूनतम वेतन हमारा किया जाए, हमको सेवानिवृत्ति के बाद में पेंशन या हमें एक मुफ्त पैसा दिया जाए। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाए तो अगला कदम क्या रहेगा? हमारी मांगे अगर नहीं पूरी करी तो अभी तो हम जिला स्तर पर 6 दिन के लिए बैठेंगे, फिर अनिश्चित हमारी सर ये 6 दिन की हड़ताल है। ये क्या मांगे? हड़ताल है हमारी वाली और हमारे को नियमित होना है और हमारा मानदेय 18,000 अन्ना बीएलओ और हर बीपीएल कार्ड हर इसमें हमारी ड्यूटियां लगाते हैं और ना इसका हमको अतिरिक्त भत्ता मिलता है और 6-6 रात के 8-8 बजे तक हम लोग ड्यूटियां करते हैं, लोगों के घर घर जाके सर्वे करते हैं और इसका हमको एक रुपया भी नहीं प्राप्त कर देते हैं वो हमको।